शालिनी दीदी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ आज। क्यों? अरे यार, लास्ट टाइम मैंने फास्ट रखा था शादाब के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इस बार मैं नहीं रख पा रही हूँ बिकॉज ऑफ बेबी, क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। मैं एक दिन पूरा दिन मतलब बिना खाए नहीं रह पाऊंगी, तो बस वही सब सोच रही थी कि यार लास्ट टाइम मैंने रखा था, इस बार नहीं रख पा रही हूँ। लेकिन शादाब को एक्साइटमेंट है इस बार की भी, बहुत नैन्सी को भी है, और उनको देख के मुझे भी हो गई, तो उनसे ज्यादा हो गई अब मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, मम्मा का फोन आया था मुझे, मेरी मम्मा बोलते बेटा ठीक है तुम फास्ट मत नहीं रखना है ये टाइम पे, लेकिन अब के कुछ रीति रिवाज होते हैं वो तो पूरे करने ही पड़ते हैं। तो मैंने ड्रेसेस मंगवा लिए हैं, नैन्सी के भी आ गए। अभी नैन्सी तो अब मेहंदी लगा ही रही है, अब मैं भी मेहंदी लगाने जाने वाली, क्योंकि मैंने दीदी को बुला लिया था मेहंदी वाली। तो बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आज का दिन और कल का दिन कैसा जाता है हमारा। मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ कि हम कैसे कैसे सेलिब्रेट करेंगे। हाय कबीर, तो यहाँ पे हाय हाय हेलो वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है नैन्सी की मेहंदी, ठीक है। जैसे कि कल इसको ही फास्ट रखना है सबसे पहले, तो बता दे किसके लिए रखना है, मैं वो भी बता दो, ठीक है। और ये जो मेहंदी वाली हैं दीदी हैं, बहुत अच्छी हैं, इनको भी मतलब इतना प्यारी मेहंदी डिजाइन लगा रहे हैं। बताओ यार, मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। चल इसकी बाद में लगाना, मेरी पहले लगाना, ठीक है। तो चलो मैं दिखाती हूँ अभी नैन्सी की पूरी मेहंदी खत्म होने के बाद, मैं नैन्सी का दिखाऊंगी, उसके बाद मैं अपना दिखाऊंगी। तो अब जैसे मैं नैन्सी की मेहंदी खत्म होगी, उसके बाद मेरी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन शादा वो सोहेल पता नहीं क्या करते रहते हैं ये लोग यार, बैठ कि मुझे दिखाना पड़ेगा इन लोगों को। चलो दिखाते हैं ये लोग क्या करते हैं। क्या कर रहे थे आप लोग? मैं कुछ भी नहीं, बस जिम की तैयारी चल रही है। अरे वो क्या कर रहा है, क्या करते रहते हो तुम दोनों अकेले बैठ बैठ के? कुछ भी था, और ये बहुत ही बड़ा नहीं, कुछ भी नहीं था, सबको पता है। जितनी बार मैंने सबको ब्लॉग में दिखाया तुम दोनों साथ में मिलते हैं, बस मतलब खाली पड़े रहना है क्या, कुछ भी नहीं करना है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं करना है भाई। मैं जा रहा हूं जिम, जा रहा हूं, देखो जिम करूंगा, बॉडी बनाऊंगा। अभी वैसे मैं 2 हफ्ते से जिम नहीं गया था, क्योंकि मेरी बहुत तबियत खराब थी, सुबह से रन गए थे जिम, एंड आई विल मीट यू टुमारो इन द एरिना। मेरा लव यू ब्लॉग, देखा मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी चीज है, बोलना बोलना सो गई मेहंदी, दिखा दिखा। वाओ तो गाइज, अगर आप लोगों को भी ऐसी ऐसी इतनी प्यारी प्यारी मेहंदी लगानी है, तो ये है वो। आपका नाम क्या है? हाँ ओके, तो मैं इनकी ना इंस्टा पे आईडी मेंशन कर दूंगी। बहुत ही प्यारी मेहंदी लगा रही है, छोटी सी बच्ची है, ये भी साथ में आई है, और नैन्सी तो फ्री हो गई है, बस मेरी बारी है। दिखाना कितनी देर बाकी है और अभी? बस एक हाथ हो गया, दूसरे हाथ की बारी है। ओके, सो थैंक यू सो मच आने के लिए आंटी, आप भी और बेटे आप भी, और आप भी ये। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, स्पेशल आई है तुमसे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो वीडियो में मैं अभी तक इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हाँ तो क्या हुआ, चलेगा नहीं आएगा, तो मैं ऐसा मोबाइल घुमा के दिखा देता हूँ, आ रहा है चालू है। एक्चुअली कल का पूरा दिन है, तो कल का तो अभी कबीर भाई भी बैठे हुए हैं, कबीर भाई भी थोड़े टाइम में डांस वांस भी सिखाने वाले हैं, थोड़ा कल करवा चौथ के लिए। मैंने तो कुछ डांस स्टेप्स कुछ बाकी है, तो ये क्या कुछ बाकी है, तो भाई इसको नीचे करके भी बात कर सकते हो भाई तुम, मतलब कुछ बाकी तो मैं वीडियो में पता है अभी तक क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे को कल पूरा दिन वीडियो में आना है भाई, कल पूरा दिन का मतलब घुमाना है, गिफ्ट भी देना है, मुझे भी भाई थोड़े बहुत काम रहते हैं, हम भी बिजी रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा फिर भी क्यों ना शालिनी की वीडियो में आ गई, यानी कि वीडियो तो अपनी चैनल पे आने वाली है, तो क्यों ना मैं भी आके थोड़ा सा, समझ रहे हो, फॉलोअर्स वगैरह बढ़वा लूँ अपने, समझ रहे हो समझ रहे हो। तो फिर पूरा दिन का कल पूरे दिन का स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा, कल मैं पूरा दिन दिखाऊंगा कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। तो फिलहाल आप अभी इनकी मेहंदी देख लो, और रात का क्या स्केड्यूल है वो भी देख लो। तो रात के कितने बज रहे हैं मालूम है आपको? 2:20।
एंड हैट्स ऑफ टू दिस, क्या बोलूं मैं इनको, बहन का नाम क्या है, उज्मा, हैट्स ऑफ टू उज्मा, माशाल्लाह तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, कीप गोइंग। नहीं नहीं, ये इनकी मॉम है तो माशाल्लाह ये भी आई है क्योंकि इनको फिक्र थी इनकी बेटी की, माशाल्लाह मतलब बहुत अच्छा लगा ये चीज देख के। तो भाई मैं तो चला सोने, इतनी जल्दी मैं, आप लोग लगाओ मेहंदी क्योंकि भाई देखो रात की 2 बज चुके हैं, मुझे सुबह बहुत काम है, मुझे भी रेडी होना है भाई, सिर्फ ड्रेसिंग ही मारनी है और क्या, सुबह मुझे भी रेडी होना है, मुझे भी घुमाना है भाई, न्यू कार ली है उसमें आपको घुमाना है, अल्हम्दुलिल्लाह। लव यू, लव यू, नहीं मुझे कैसे, मेहंदी वैसे भी हमारे इस्लाम में बहुत वो अहम तो मानी जाती है, सुन्नत है, तो मैं लिखवा लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कल दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा मैं, अभी लिखाऊंगा मैं, ठीक है चलो मैं लिखवा लेता हूँ। वाह भाई वाह, क्या फास्टिंग हो रही है, क्या बात है, फास्टिंग की शुरुआत भाई, पिज्जा खा के कौन फास्टिंग रखता आपने है भाई? आपने सरप्राइज दिया पिज्जा का, मैं क्या बोल रहा हूं? ये तो पहला सरप्राइज है भाई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, पूरा दिन बाकी है, दिन अभी शुरू हुआ है, ठीक है। सो ये फास्टिंग की तैयारी हो चुकी है, यानी कि आप फास्ट रख रहे हो, लेकिन बेबी एक और बेबी है छोटा सा, मैंने पहले बोल दिया मैं फास्ट नहीं रख रही इस बार अपनी बेबी के लिए, कितना पागल हो जाता है ना लड़का, जिसको कुछ समझ में नहीं आता कि कर रहा है, फटफट खाओ क्योंकि 4 बजे, 4 बजे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शालिनी इस बार नहीं रख रही है फास्टिंग, तो लेट्स सी, फिर भी अपना तो फर्ज पूरा कर दिया मैंने। The next day. Yes, we are ready for the day, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लो फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो कितने बजे चांद निकलता है वैसे? अरे हाँ, आपने तो सुबह से कुछ खाया नहीं, मुझे पता नहीं, मेरे को पता नहीं, पूरा मुंह तर हुआ है, लेकिन आपने प्रॉमिस किया था कि आप वहाँ लेके जा रहे हो, तो कहाँ लेके जा रहे हो जल्दी बताओ। अभी तक मैंने कुछ नहीं, एक्चुअली मैंने अभी तक कुछ प्लान किया नहीं है, मैं देखता हूँ कहाँ लेके जा रहा है। देखा माशाल्लाह, तुम प्यार करती हो, मैंने भी अपने सीधे हाथ में लगाई, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, अभी मेरे हाथ में मेहंदी का रंग ही नहीं आया। ओहो माशाल्लाह, और घर का हाल देखो ना कितना प्यारा हो रखा है भाई, वाह वाह भाई वाह। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा समझ रहे हो, प्लान कर लेते कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, और जल्दी से दुआ करो यार कि मतलब चांद निकल जाए यार, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सो ज़रा देखा जाए कि आंटी हमारे लिए क्या बना रही है, कौन टेस्टी कुछ हेल्प नहीं करी, खाली भी हाथ लगाए और कुछ भी नहीं किया, खाली भी हाथ लगा दिया, वो जब वीडियो बनती तभी कुकिंग होती है, मैं एकदम सीधा सब सच सच बता रहा हूँ भाई मैं। और आंटी हमारे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनानी है अलहमदुल्ला, जैसे कि आप लोग को पता है कि आज तो मैं भूखा हूँ, लेकिन फिर भी शाम के लिए काफी अच्छी सारी डिशेज वगैरह बनती है, जुबान सूख गई है भाई मेरी, बता दियो तो कुछ नजर नहीं है ना मेरे को, लगी नहीं सकती क्योंकि मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। चलो अपन प्लान कर लेते फटफट, फिर निकलते फिर आगे का दिखाते। हम लोग अभी निकल तो चुके हैं, अभी लोगों ने बताया नहीं, अभी मतलब शादाब ने अभी तक बताया नहीं मुझे कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो आप इनसे मिलिए, आप इनको तो जानते ही हैं, एंड ये तो नैंसी को भी जानते हैं, इनको भी जानने लग जाओगे आप हमसे बहुत जल्दी, और इनको तो मुझे पता है कोई नहीं जानता। तो मैं ये चाहती हूँ कि अभी हम लोग जाएंगे तो मैं चाहती हूँ कि शादाब मेरे को एक अच्छा सा सरप्राइज दें, जो कि जबरदस्ती मुझे मांगना पड़ रहा है, बस बताओ। सच में भी था कि लोगों को पता नहीं है, मां कसम कि हम लोग जा कर रहे हैं, किसी को सच में मुझे कोई आईडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं तो वहाँ पर शूटिंग भी हुई है, किसकी, जीरो पिक्चर की, बहुआ, नहीं मालूम, फिर वो मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मैं मुंबई में पहुंच गए हम लोग। हाँ बीबी पहुंच गए, कहाँ है लेकिन मैं तो पहली बार बस से तुम्हें छोड़ के, देखो कहाँ है, क्या लड़की है, करवा चौथ के टाइम पे बेचारी अकेली खड़ी है। अरे तू क्यों ट्रेन में है ना, हस्बैंड मेरा ट्रेन में, चलो मेरी बच्चे किधर है, सुबह लोग से करना है।
नैन्सी, तू तो सुबह से दिखी नहीं आज। तुमने मेरे को कैमरामैन समझ के रखा है क्या यार? मुझे बहुत अच्छी लगी है सच में। आज मेरे को टिपिकल हस्बैंड वाली फीलिंग आ रही है, बॉयफ्रेंड वाली नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है सच में मेरी शादी हो चुकी है और मैं डिनर पे आई हूँ। तो यार हम लोग पहुंच गए हैं अभी। शादाब ने सच में मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। मैं काफ़ी टाइम से मतलब ये शोर शराबे से दूर जाना चाहती थी, तो आज फाइनली ये मेरे को लेके आ गए यहाँ पे। तो बेटा हस्बैंड हस्बैंड होते हैं, तो लड़कियों ऐसा कभी भी मत सोचो कि यार शादी करके हमारी इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। और मैं तो बहुत खुश हूँ शादी करके, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बोलती हूँ। हाँ, अगर हम सही हैं तो सामने वाला इंसान सही है। तो बस मैं एक एडवाइस देती हूँ, जिससे आप प्यार करते हो उससे शादी कर लो, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। जगह पे लाए हो ना, चलो चलते चलते। क्या है ये? कुछ भी तो आज मेरे को समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है, हम लोग को जाना कहाँ है, हम लोग को खाना कहाँ है। हम लोग पहले वहाँ पर जाके, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, फिर उसके बाद हम लोग आए तो हम लोग को पता नहीं, हम लोग दी फाटी गो में बैठ गए। फिर उसके बाद हम लोग एक्चुअली जाना पॉपटेट्स है, अब देखते हैं हम लोग राइट जगह पहुँचने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से तीन जगह चेंज कर चुके हैं। तो कितने टाइम से हम लोग घूम रहे हैं, हम कुछ भी नहीं मिला अभी। अभी भी जहाँ पे हम लोग देख के आए वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। भूखे भूखे रखोगे क्या आज? भूख लग रही है। क्या बोलूँ मैं, दिमागी खराब हो रहा है यार। अभी देख रहा हूँ कैसे कैसे एडजस्ट करके बैठी है, सारे पीछे देखना। ये तो हमारी हमेशा की रीत है, साथ साथ लोग, सीधा सात लोग, अजमेर के टाइम पे भी सात लोग। अल्हम्दुलिल्लाह बरकत की गाड़ी है, मजाक थोड़ी नहीं है। ये बच्चे को हमने गोद ले लिया, ये इतना भद्दा बच्चा। यार मुझे बताते हो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। प्लान तो मैंने बहुत सारी चीजें करी थी शालिनी के लिए, और जहाँ पर हम लोग गए थे पहले तो शालिनी को वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगा उसको। फिर पॉपटिट्स मतलब जाना था उसको, सिजलर खाना था। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों ने इतना ट्रैवल कर लिया, मतलब यहाँ से वहाँ से, और मैं जो नहीं चाहता था एट लास्ट वही हुआ। और मैं ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकता था, एट लास्ट ये हुआ कि शालिनी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। प्लान तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी थी शालिनी के लिए, लेकिन क्या बोलें, अभी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम लोग को घर पर आना पड़ा। अभी तो वो रेस्ट कर रही है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यश इज बेबी, ओ क्या हुआ, क्या हुआ, गिफ्ट की वजह से नाराज हो रही हो क्या? आपकी तबीयत खराब हो गई ना इसकी वजह से, तो क्या वो होता है बेबी, वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कोई प्लान करते हैं वहाँ जाके अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। आज आपने ट्रैवल भी कितना किया मालूम है, आपकी सिजलर्स के चक्कर में। मेरे फेवरेट थे, आपके फेवरेट कब से हो गए? चलो ठीक है, आप मूड ऑफ मत करो यार, वैसे भी वीडियो एंड करना है, तो आप बोल दो जो बोलना है। कुछ भी नहीं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना सरप्राइज दिखा दूंगी। ठीक है, मैं आप लोग को ज़रूर बता दूंगा कि मैंने शालिनी को क्या गिफ्ट किया है करवा चौथ पे। तो जब तक के लिए आप ये वाली वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें, इन्जॉय करें। एंड हाँ प्लीज़, यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग का बहुत एक बोलते ना, मैंने बहुत ही कुछ अच्छा प्लान किया था लेकिन नहीं हो पाया। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए सरप्राइज़ के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। लव यू ऑल।